एक और लड़का काफी माहिर और लंबा नहीं लिखे आज काफी बैठ रहा है पेपर यार वो बतावा पंचायत बतावा के निकल करवावे खींच आएगा कई जाने की ड्यूटी कहां लगी बतावा तू खींच लेगा खींचा भाई 9 बजे का भाई ड्यूटी नहीं लगाए यहां आपकी ड्यूटी किसके द्वारा लगाई गई है क्या है वो किस पद पर तैनात है एक लड़का पांचवी का एक लड़का आदमी का कहां नियम है हमको दिखाइए आपको बात करवा किस किसान के देश में है ये बात करवा दे किससे बात करवा दे हां बता दीजिए बात बताइए मैंने जो कहती हां बता बताइए नहीं नौ टंकी नहीं आप कैमरा नहीं बंद करा सकते हैं नहीं नौ टंकी नहीं आप कैमरा नहीं बंद करा सकते हैं जिम्मेदार ही सो जाएं तो कैसे न हो लापरवाही मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग पुनः आया सुर्खियों में सोशल मीडिया में अभिभावक और शिक्षक के जोरदार बहस की वीडियो हो रही वायरल बहस भी ऐसी कि बन गया चर्चा का विषय क्या है पूरा मामला आपको बता दूं मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज का जहां नईगढ़ी तहसील में संचालित शासकीय हाई स्कूल फुलहा में हो रही पांचवी और आठवीं की चल रही परीक्षाओं पर घोर लापरवाही का वीडियो सामने आया है ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय में दिए गए समय सारणी में परीक्षाएं नहीं हो रही 8:50 पर परीक्षा कॉपी बांटना चाहिए और 9 बजे केंद्राध्यक्ष की मौजूदगी में पेपर सील खोलकर बंटवाना है लेकिन यहाँ तो सब तके सिर भाजी तके सिर खाजा था जब ग्रामीणों ने देखा यहाँ तो सब मनमानी है तो विद्यालय में बोलना शुरू कर दिया चिल्लाना शुरू कर दिया जो कि भीड़ों में स्पष्ट देख सकते हैं 9:05 गए किसी की ना उपस्थिति लगी ना ड्यूटी आने के टाइम में भाई जो मुझे आ रहे नहीं आ रहे आप दोनों बजे आइए पूछ ले प्राइम है कहां दिखाई दिखा दीजिए दिखा दीजिए साहब कहां दिशा निर्देश 9 बजे हमारा पेपर बटने का आदेश है हां 9 बजे का हां आपको आपको पहुंचने के चलिए और आप पे हम मदद करेंगे पहुंचने का क्या टाइम है आपका 9 बजे आप हम आकर यहां 8 बजे बारे यार ये बच्चे घूम रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम नहीं है बड़ा वीडियो हां बना 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 दीजिए जब कैमरा चालू हुआ तो प्रभारी मैडम आग बबूला हो गई नहीं नौटंकी नहीं आप कैमरा नहीं बंद करा सकते कैमरा बंद करने की बात करने लगी पूरी वीडियो देखें वायरल हो रहे सोशल मीडिया के इस बवाल को दिखाई दिशा निर्देश हमारा पेपर बटने का आदेश है पहुँचने के चलिए और आपके हम मदद पहुँचने का क्या टाइम है आपका 9 बजे आखिर हम आकर यहाँ 8 बजे बारे यार ये बच्चे घूम रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम नहीं है बड़ा वीडियो हाँ बना 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 दीजिए सर कह रहे हैं रोज को हटाया का ड्यूटी नहीं है ये हम कह रहे हैं कलेक्टर के दिखाई है कलेक्टर काम नहीं कर रहा है एक और लड़का काफी माहिर और लंबा नहीं लिखे आज काफी बैठ रहा है पेपर यार पेपर नकल करवाने के लिए नहीं है कि पेपर नकल करवाने के लिए टाइम है कि तुम तब आप लोग नकल न करवाएं यहाँ पर आकर के हम ये परीक्षा के टाइम के दौरान आप नकल आप करवाते हैं बोर्ड में लिखवा के कहीं भी नहीं नकल हुई है डेली होती है कभी नहीं होती है अब आप लोग यहाँ पर आकर बताइए नकल करवाने के लिए यहाँ पर परीक्षा हम आपको कहने के लिए आए हैं नकल करवाने के लिए नहीं आए हैं नकल रोकने के लिए आए हैं नकल रोकने के लिए रोकने के लिए हम लोग नकल करते हैं तो इतना ठीक है नकल रोकने के लिए आप खड़े हैं नहीं नकल कराएंगे इसकी हमारी चले चले आप देखते हैं नकल दौरान आप सुचारण करवा रहे चले जाएंगे चलो तुम चला ये जाए बा पेपर बांटना है ले खींचा हाँ वो बतावा पंचायत बतावा के निकल करवा खींचा है
कहीं जाने की ड्यूटी कहाँ लगी बतावा तू खींच लेगा खींचा भाई नौ बजे का भाई ड्यूटी नहीं लगाए यहाँ हमको भी कराइए इनको कहाँ ड्यूटी आपकी कहाँ चौथे कमरे में कहाँ है आदेश अब आपकी ड्यूटी किसके द्वारा क्या है वो किस पद पर तैनात है अच्छा तो किस रूम में आपको ड्यूटी लगाई गई है पता ही नहीं है लगिन नहीं है पत्रकार हम बुलाए हैं लगिन नहीं है ड्यूटी किस पर कमरे में लगी है हालांकि इन तस्वीरों में जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है कि नकल करने की भी बात आप बोर्ड भी देख सकते हैं किस तरीके से बोर्ड को सफाया किया गया है इस वीडियो में ये भी आप सुन सकते हैं किस तरीके से पांचवी के बाद आठवीं और आठवीं के बाद पांचवी के बाद आठवीं इस तरीके से कतारों में विद्यार्थियों को बैठाया गया है लेकिन इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर विद्यालय में इस तरीके से ही नियमावली है खैर ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्या कुछ नियमावली है लेकिन बड़ी बात जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि 8:50 पर जिस विद्यालय में कापियां बट जानी चाहिए और ठीक 9 बजे सील बंद पैकेट को खोल करके पेपर निकालना चाहिए तो वहां पर सब कुछ उल्टा चल रहा था 9:30 बजे केंद्र अध्यक्ष ही आए तो कैसे 9 बजे पेपर जो खुलना चाहिए केंद्र अध्यक्ष की मौजूदगी में तो कैसे खुल सके जो आरोप लगे इस आरोपों को आपने वीडियो में देखा हालांकि इस पर क्या कुछ तथ्य है ये तो प्रशासन ही बता पाएगा लेकिन इस पर क्या कुछ जांच होगी या फिर कार्रवाई होगी ये तो नई गढ़ी के बीओ ही बता सकते हैं समस्या ये हो रही है कि बच्चों को टाइम से न तो कॉपी दी जाती है न पेपर दिया जाता है और बच्चों को पांचवी और आठवीं का एक साथ में बैठाया जाता है ये बैठाने का नियम कहाँ है जहाँ कहीं हो तो लिख करके वो दिखाएं क्या आपको केंद्राध्यक्ष महोदय से यहाँ कोई अधिसूचना जानकारी मिली है कि आठवीं और पांचवी के बच्चों को एक साथ रखा जाए या शिक्षा विभाग से हाँ नहीं मिली है ऐसी कोई जानकारी नहीं तो इसमें जो प्राचार्य महोदय और केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक जो भी हों तो उनके माध्यम से आपने सूचना दी क्या नहीं अच्छा बच्चों को परीक्षा देने का समय आपको मालूम है परीक्षा देने का समय 9 बजे से है जी लेकिन 9 बज गया अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है केंद्राध्यक्ष अभी तक नहीं है यहाँ कॉपी कितने मिनट पहले बट जानी चाहिए बटना चाहिए परीक्षा टाइम के 10 मिनट पहले बटना चाहिए जबकि अभी 9 बजने वाला है और यहाँ पर बच्चे बैठे नहीं हैं बच्चे घूम रहे हैं अभी बाहर क्या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी या केंद्राध्यक्ष यहाँ अभी तक आ पाए हैं कोई नहीं आया हालांकि पूरी खबर पहुंचाई है बिंदु प्रदेश टीवी के साथ ही दुजेंद्र विश्वकर्मा ने आप देख रहे बिंदु प्रदेश टीवी मैं अरुण जसवाल पुनः बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होता हूँ तब तक मुझे आप इजाजत दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद